बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। आज की वीडियो जो है वो ना तो कोई रेसिपी है और ना ही कोई व्लॉग है, बल्कि आज की वीडियो जो है वो मैं बात करूँगी जलजिले के बारे में। जब आज रात को, मतलब जुम्मे की रात को 10:02 पर जो जलजिला आया है पाकिस्तान के इलाकों में, बहुत शदीद जलजिला, इतना कि सब लोग लर्ज के रह गए, दीवारों दर मकान ज़मीन आसमान सब लर्ज के रह गए, डर गए लोग, बच्चे रोने लगे डर के मारे। मैं जो अपनी बात करूं तो ये थी कि मैं बैठी हुई थी आराम से और जब जलजिला आया है, पहला झटका जब लगा है तो वो इतना शदीद था और ऐसे अचानक था कि ऐसे लगा जैसे ज़मीन एकदम से नीचे हो गई है, एकदम से नीचे झटका लगा, नीचे ज़मीन नीचे चली गई है। तो मैं एकदम खौफज़दा हो गई, कुछ आवाज़ भी आई, धम की आवाज़ थी और कुछ जैसे मिट्टी गिरी है छत से, कुछ इस तरह की आवाज़ थी। और अचानक ही बच्चे जो थे वो अंदर सोए हुए थे, आतिफ भी सोया हुआ था अंदर, तो आतिफ बल्कि सोने की तैयारी ही कर रहा था, अबू बकर सोया हुआ था, तो आतिफ जो है ना वो बाहर आ गया रोते हुए ना। और बाबा ने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो मतलब रो रहा था कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा जलजिला है जलजिला है। तो किसी को महसूस हुआ वो पहला झटका, किसी को नहीं, लेकिन बहुत शदीद था। तो उसके कुछ ही सेकंड के बाद जो है ना वो शदीद जलजिला शुरू हो गया, मतलब सब कुछ हिलना शुरू हो गया, शीशे बजने शुरू हो गए और बच्चे रोने लग गए। तो मैंने भी अबू बकर को उठाया और हम सब दहलीज़ में बैठ गए आके। तो उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है कि दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं था, कम था दौरानिया, लेकिन शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गहराई जो थी इसकी वो 80 किलोमीटर थी और ये बहुत ही कम गहराई होती है, बहुत ऊपर वाली प्लेट्स होती हैं ये, और इसी वजह से जो कम शिद्दत का भी होता है ना, अगर रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत तो 6.4 थी जो कि बहुत होती है, लेकिन अगर ये नीचे बहुत गहराई में होता तो इसकी शिद्दत इतनी महसूस ना होती। और मरकज़ जो था इसका वो ताजिकिस्तान था, और उसके कुछ ही देर के बाद जो है ना इंडिया में भी 6.1 का जो है जलजिला आया और उसका मरकज़ जो था वो अमृतसर था। तो बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई अभी तक इतना शदीद नुकसान का जो है वो इतला नहीं आई। तो उसके बाद खैर खैरियत के फ़ोन किए गए अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, बहुत सारे फ़ोन आए, मुझे भी परेशानी के आलम में, सब एक दूसरे की खैरियत मालूम कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कहीं भी, सिवाय इसके कि लोग बहुत डर गए और बच्चों को हमने गाइड किया, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ सकते थे और अंदेशा था आने का, क्योंकि बहुत बड़ा जलजिला था, एकदम से ऐसा लगा, जब जलजिला आता है तो ऐसा लगता है जैसे अब रुके गई नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो उसके बाद बच्चों को गाइड किया कि अगर स्कूल में हैं आप या कहीं और हैं और जलजिला आए तो आपने भागना नहीं है, बैठ जाना है, दहलीज़ में बैठना है, किसी चीज़ को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से और फिर चलना है। मतलब आप लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को गाइड करें, इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि कायनात का एक निज़ाम है। तो ये आप लोगों ने भी बच्चों को गाइड करना है इस तरह, और हमने भी गाइड किया बच्चों को, बच्चे डरे हुए थे लेकिन हमने उनको रिलैक्स किया। उसके बाद सोए, सोते हुए भी, सोने के टाइम पे भी मुझे कुछ था कि आफ्टर शॉक्स आएंगे और मुझे डर था कि बहुत सारी अफवाहें थी कि एक शदीद जलजिला आने वाला है रात को आएगा और ये वो 24 घंटे में हाई अलर्ट्स हैं और रेस्क्यू को अलर्ट्स किया गया है, तो इस तरह की बातें थी। तो डर था एक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुकून से सोए और अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं है। तो आप लोगों से भी है कि अगर आप लोगों की भी कोई इस तरह की है और कोई वीडियोस बन चुकी हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करें, मुझे सेंड कर दें वो, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएँ और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। और इसके अलावा जो है अल्लाह माफ़ करे हम सबको, तो बस इस्तग़फ़ार करते रहें। और बहुत ही ख़तरनाक मंज़र था जब हिल रही थी सब चीज़ें, मतलब कि इसको जो है वो मजाक के मूड में नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि झटके आ रहे थे, तो झटकों को कहते हैं कि झूले आ रहे थे। तो अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगा करें, अल्लाह ताला हमें डराने के लिए ये सब करता है। अल्लाह, अगर जो लोग नहीं डरते इसका मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप खुद सोचें। क्योंकि अल्लाह जो है हमें डराने के लिए ये झटका देता है कि संभल जाओ, डर जाओ, अल्लाह से डरो, और अल्लाह की ज़ात डराने वाली ज़ात है, ठीक है, रहीम व करीम बहुत है। लेकिन जब वो इस तरह के ऐसे हादसात होते हैं, बिजलियाँ कड़कना और
इस तरह की आफात आना, जलजले आना, तो ये अल्लाह ताला डराने के लिए हमें करता है, और वो बहुत बड़ी ज़ात है, डराने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की, तो डरना चाहिए हमें। तो देखें, इस तरह की जब सिचुएशंस हो तो मजाक जो है अपनी जगह होता है, लेकिन अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। आप लोग भी इस्तग़फ़ार करें, हर वक्त करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।